हमने अपने पुलिस परिवार की एक मेंबर को खोया है और एक नेक इंसान को भी खोया है, एक बाप को भी खोया है और एक भाई को भी खोया है और एक कश्मीर की एक शहरी को भी खोया है। और हमने यहाँ पे सारे ऑफिसर, मेरे जो जितने साथी ऑफिसर हैं, एडिशनल डीजी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, हमने इस चीज़ की तय किया है कि हम इसके तह तक जाएंगे और कातिल को ढूंढेंगे और कातिल को मदद करने वाले जो जो इसको किसी भी तरीके से मदद किए हैं, हर एक को कानून के दायरे में लाएंगे। सर, ये पता चला है कि कितने मिलिटेंट ये इस अटैक में इन्वॉल्व हैं? हम अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की डिटेल आपके साथ नहीं शेयर कर सकते, करना नहीं चाहिए, वो ठीक नहीं रहता है। पर हमको लीड्स मिले हैं, हम काम कर रहे हैं इस पर और हम उसकी, हमें पूरी कॉन्फिडेंस है कि हम इसको निकालेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वहाँ से बैठे कुछ लोग ये प्लान को छोड़े नहीं है इन लोगों ने तो, पर वो प्लान अपनी जगह में वो बनाते रहेंगे। अगर हम यहाँ पे माहौल बदल देंगे, आवाम को साथ रखते हुए हमने हर वो प्लान जो प्लान बनाएंगे वहाँ से, वो सब धीरे धीरे नाकाम हो जाएगा। भेजने वाला भेजने के लिए कोशिश करेगा, यहाँ मिलेगा नहीं कोई उनका साथ देने वाला, तो ये स्थिति हम पैदा करेंगे। तो हम अब वो पाकिस्तान का सरजमीन तो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, वो बैठ के वो क्या कर रहे हैं, नारकोटिक्स लाए के यहाँ बेच रहे हैं या बंदे भेज रहे हैं, बंदूक भेज रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं, गोला बारूद भेज रहे हैं, कोई पैसे तो नहीं भेज रहे हैं कि सरकारी अस्पताल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए या स्कूल कॉलेज बनाने के लिए, या वो भेज रहे हैं तो यही चीज़ भेज रहे हैं। तो हम यहाँ से वो सारा प्लान जो है वो ख़त्म करने के लिए कामयाब हो जाएंगे जब यहाँ पे कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा, वो स्थिति हम पैदा करके देंगे। और ये हमारा पहला कार्रवाई शुरू होगा इस विंटर से कि हमारे, चाहे वो कोई हमारा साथी हो या कोई आम शहरी हो, किसी की भी कत्ल और किसी की भी नुकसान हम होने नहीं देंगे। और जो जो इनके साथ देंगे, चाहे वो पार बैठे हैं चाहे अंदर बैठे हैं, उनको हम कटघरे में लाएंगे। धन्यवाद।